वंडर वुमन वो उसके बारे में मैं बैठा पढ़ रहा था। वो अपने अस्पताल में जहाँ उसका अस्पताल है मरीजों का जहाँ इलाज करते हैं ना, वो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम मरीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम सिखाता है। अभी तक कलमा नहीं पढ़ा उसने, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो करता क्या है, मरीजों को कहता है बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही तरीके से वो अल्लाह के नाम का जिक्र बताता है। वो कहता है कि जब बंदा अल्लाह की अलिफ बोलता है तो इससे निजाम तनफ्फुस इंसान की सांस लेने का निजाम है, उससे अलिफ के साथ कुशादगी पैदा होती है। और जब इंसान अल्लाह के नाम बोलता है थोड़ा सा तवक्कुफ करता है अल्लाह, थोड़ा सा तवक्कुफ हुआ ना लाम के ऊपर अल्लाह, अब इस लाम की वजह से लाम बोलने की वजह से इंसान के फेफड़ों का दिल के साथ रابطہ जुड़ जाता है, दिल के साथ रابطہ जुड़ जाता है। और फिर वो जब कहता है कि जब इंसान अल्लाह की हाँ बोलता है, अल्लाह की हाँ बोलने से इंसान के सांस के अंदर जो तंगी होती है वो तंगी दूर हो जाती है। अब हमने तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दिया। पुराने बुजुर्गों को देखते हैं उनकी उम्र ज्यादा है लेकिन जनाब उनकी वो और जिंदगी का निजाम ठीक है, वो तिलावत करते थे अल्लाह अल्लाह करते थे, उनका निजाम किस वजह से ठीक है, वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे।